दोस्त, इस वीडियो में मैं जो कवर करने वाले साउथ अफ्रीका वुमेंस का जो कि मैच खेला जाएगा, साउथ अफ्रीका वुमेंस वर्सेस जिम्बाब्वे वुमेंस का, बेसिकली जो मैच है ना, देखो अगर आप देखोगे तो ये इमर्जिंग वुमेंस का और साथ ही जिम्बाब्वे का जो ऑफिशियल वुमेंस का टीम है उनके साथ है। तो ये मैच ना इन्वेस्टमेंट के थॉरिस की जोर से फर्स्ट मैच है, लेकिन वीडियो को आखिर तक देखना, इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के जाओगे, ठीक है? क्योंकि पहले भी हमने ऐसे मैचेस बहुत सारे कवर कर चुके हैं। लेकिन उससे पहले मैच कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाएगा, तो फाइन टीम के लिए फाइनल अपडेट्स के लिए कंफर्म बैटिंग ऑर्डर के लिए आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिए, आपको डेली फ्री विनिंग टीम प्रोवाइड कर दूंगा। मैच स्टार्ट से कितना 2 घंटे बच रखे यार, बहुत सीजर्स ने रिक्वेस्ट किया था, चलो मैं वीडियो शूट करके आपको दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सीजर्स ने रिक्वेस्ट किए थे। तो फाइन टीम के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर करंटली अभी के टाइम 41,700 से ज़्यादा लोग जहाँ पे डेली लोग विन कर ही रहे। तो मैं कमेंट बॉक्स में लिंक पिन भी कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और सर्च करना हो तो सिंपली टेलीग्राम के सर्च बारे जाना, सर्च करना है ऐप इलेवन टीम। ऐप इलेवन टीम अगर आप सर्च करोगे तो आपको एक चैनल देखने को मिल जाएगा जहाँ पे करीब 41,800 से ज़्यादा, देखो अभी 41,800 से ज़्यादा लोग हो चुके। तो टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन कर लेना, मैं कमेंट बॉक्स में लिंक पिन भी कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ध्यान रखना, ऑफिशियल ज्वाइन करना मैं कमेंट बॉक्स लिंक पर फिर करूँगा, उसके थ्रू कर लेना। अगर आपको सर्च करना हो तो सर्च करना ऐप इलेवन टीम ऑफिशियल, ऐप इलेवन टीम ऑफिशियल, ये चीज़ सर्च करके करना। तो जरूर से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और जाकर प्लीज़ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वीडियो देख लेना, जैसे बहुत बड़ा गिव अवे है, ठीक है? 4 सबसे बड़े गिव अवेज। दोस्तों, ये मैच 1:30 पे स्टार्ट हो जाएगा, सिर्फ कुछ ही देर बचे हुए। और ये बता दूँ पिच पर, देखो उससे पहले वेन्यू बता दूँ, ये मैच खेला जाएगा प्रिटोरिया में मैच खेला जाएगा। वेन्यू ये देख लो आप, यहाँ से ग्रीन क्रॉक स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, जो विकेट है, इस विकेट पे जो ना फर्स्ट इनिंग में ऐसे मैचेस स्कोर जो बनता है ना, वो मैच 105 रन, 105 रन इजीली बन जाते हैं। एंड बात करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, साउथ अफ्रीका का जो वुमेंस का जो कि लाइनअप होनी चाहिए, ओपन करे टेबेगो मैच के टीम्स ओपन करें, जो कि विकेट कीपिंग है सिमोना एलोंस इस मैच के लिए अवेलेबल है। उसके अलावा मेरे हिस्से में जो टीम तरह से खेलते आ जाएगी, सेसन नायडू जो कि विकेट टेक की प्लेयर टीम है से, उसके लिए एनाड्रे जैसे जो टीम से इस मैच के लिए अवेलेबल है, मिचेल एंड्रेस जो कि इस मैच के लिए भी अवेलेबल है, डेलमिटो का जो टीम से टैलेंट ऑलराउंडर है, एनिका बॉच भी काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर टीम से, नो डाउट करंटली फॉर्म में चल रही है, हर मैच बैटिंग बॉलिंग दोनों सीधी इस बार टॉप ऑर्डर बैटिंग भी करती है और 4 ओवर बॉलिंग ही पाती, इंपॉर्टेंट टीम की कैप्टनसी कर रही टीम है, तो ससेंगेस जो कि कैप्टनसी इस बार कैर रही टीम है दोस्त। उसके अलावा कैटलिन इस मैच के लिए अवेलेबल है और मोनालिसा लेगोडी। तो दोस्तों, ये है साउथ अफ्रीका वुमेंस का लाइनअप्स। बात करते हैं जिम्बाब्वे वुमेंस का जो कि ऑफिशियल टीम है, ठीक है? ये कोई डोमेस्टिक मैचेस नहीं है, ये डोमेस्टिक टीम नहीं है। मोडे से मोचे का टीम से ओपन करेगी टीम है, जैसे पहले हुए मोर्चे के साथ ओपन करेगी, वन नाउ टीम से छिपे हुए मुगेरी जो कि वन बैटिंग करेगी, सारन मियाज जो कि फोर नाउ बैटिंग करेगी, मैरी मुसुंडो जो कि काफ़ी छुपे टीम है, जैसे हर कोई जानता है इनको टीम में से काफ़ी कॉन्स्टेंट रहती है। उसके अलावा कैली सेवन नडोल वो इस मैच के लिए भी अवेलेबल है, टीम से कैप्टन जोसेफ नकोमो कैप्टनसी के, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है लिटरली, बहुत ज़्यादा बहुत कांस्टेंट रहती है, हर एक मैच है, इन दोस्तों सामने कौन सी प्लेयर है आउट इजीली कर देती है, विकेट टेकिंग प्लेयर टीम इधर से टॉप ऑर्डर बैटिंग करती है, टॉप ऑर्डर नहीं मिडल ऑर्डर बैटिंग कर लेती है, जनरली फोर्थ से लेके सिक्स नंबर के पीछे बैटिंग करती है। उसके अलावा टीम से पहले से मैंने इस मैच के लिए अवेलेबल विकेट टेकिंग प्लेयर है, स्टर मोफाना इस मैच के लिए अवेलेबल है, एंड्रे जो कि इस मैच के लिए अवेलेबल है, फैंसिका चिपारे। दोस्तों, ये है जिम्बाब्वे वुमेंस का लाइनअप्स और ये है साउथ अफ्रीका वुमेंस का लाइनअप। देखो टॉस देने का, देखो स्टार्ट देने का टाइम तो है नहीं क्योंकि मैच स्टार्ट सिर्फ 2 घंटे बचेगा, बट कंफर्म बैटिंग ऑर्डर वगैरह लाइनअप से टेलियाँ पे जूस में शेयर कर दूंगा, तो एक टीम ने ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी है। एंड बात करते वीडियो का सबसे मेन पार्ट क्लियर वाइज एनालिसिस, लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को जूस लाइक कर दीजिए, जिससे मोटिवेशन मिलता है, प्लीज़ वीडियो को जूस लाइक कर दीजिएगा, चैनल सबसे पहले को ऑन ऑल पर सेट कर, जिससे आने वाले वीडियो से सबसे पहले को नोटिफिकेशन मिले। बात विकेट कीपर से, देखो मोडे से मुझे कैसे ओपनर है टीम में, तो आप इनके साथ जाओ, टीम से एक अच्छी प्लेयर है, एक मस्ट ऑफ पिक होनी चाहिए, हालांकि उतनी बड़ी टैलेंटेड तो नहीं है बट ओपनर है टीम में, तो उससे आप जा सकते हो, टीम मैंने चाहिए एक अच्छे प्लेयर बट साइड रखते। उसके अलावा मैरी मुसुंडो जो कि जनरली टीम से मिडल ऑर्डर बैटिंग कर लेती है, टॉप ऑर्डर मान कर चलो एक अच्छी, पी मोजी भी एक अच्छी प्लेयर टीम में, दस उसके अलावा ई जेंसन भी एक ठीक ठाक प्लेयर है, लोग ना ऐसी मतलब तुक्के पे टीम बना रहे हैं, इसको इस वजह से पिक कर लिया भगे यहाँ से। एस मैच जो कि काफ़ी टैलेंटेड है, नीचे देख लो पहले एस नायडू भी इस मैच के लिए काफ़ी अच्छी प्लेयर है, पिक कर लेते हम भी। एनिका बॉच डी टेकर इंपॉर्टेंट है, जेनेको में इंपॉर्टेंट, इनका डी पी क्यों हटा दिया गया यार, और उससे के नूडल वो इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो सकते हैं, नीचे देख लेते पहले के नूडल वो मैं पिक कर सकता हूँ, ठीक है? हालांकि एम एंडर्स काफ़ी टैलेंटेड है, इनका आप देखोगे एम एंडर्स का तो ठीक ठाक प्लेयर है, ठीक है, मैं इनको कवर कर सकता हूँ, मैं के नूडल वो ज़्यादा टैलेंटेड लेकिन ठीक है, ये विकेट है कितने टीम से। उसके अलावा बात करें बॉलिंग से, तो पी मैरेंगे उसे भी एक ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर टीम उधर से, आर नोटे जो कि इस मैच के लिए अवेलेबल है, शायद अवेलेबल है नहीं, ऐसे लाइनअप से तो मुझे कहीं इनका नाम नहीं दिख रहा है, तो इसलिए साइड रखता हूँ, खेलेगे तो कवर कर लेगा। उसके अलावा नीचे देखोगे एम लोगी वगैरह एल फेरी भी है,
एंड 20 वॉटर ऑफ से एन सी वंडा, ये काफ़ी छिपटी टीम दस सी काफ़ी टैलेंटेड भी है। बस 9.5 के आपको डिसाइड कर पाया 11 देखो 9.5 के में आप चाहते एक ऑलराउंडर बढ़ा सकते हो, जैसे कि मैं आपको बता चुका एग्जाम्पल के तौर पर केन नूडल या फिर एम एंडर्स को ले सकते हो या फिर आठ नटाजोके को पिक कर सकते हो। नटाजोके भी टीम से ठीक ठाक पे रही, हालांकि लाइनअप से लिखा नहीं गया कि खेलेगी मेरी सर सेंगे कहाँ है ये राशर सेंगे जो कि टीम कैप्टनसी कर मीनी के साथ जा रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है कैप्टनसी करे टीम से सर सेंगे कैप्टनसी करे टीम इधर से तो मीनी के साथ जा रहा हूँ। ओवरऑल मेरी टीम बन चुकी है, देखो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनी, इसके बाद ना जो है ना केन्या वर्से नेपाल का वीडियो मुझे शूट करनी है, तो इस वीडियो को मैं इसलिए मतलब शूट कर रहा हूँ कि बहुत सी जैसे रिक्वेस्ट की थी इस वीडियो की, बहुत ज़्यादा डिमांड आया था। कैप्टन से बात एनिका वर्स तो देखो इन्हीं के साथ जाना, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कैप्टन में, वाइस कैप्टन जे नकोमो के साथ जाओ या फिर ड्यूटेकर। अब ड्यूटेकर मैं बता रहा हूँ ड्यूटेकर टीम में दसी ये ना डी टक्कर टीम तो से ना एक ना बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग में उतना कुछ खास करती नहीं है, बॉलिंग ठीक ठाक लेके कर लेती है आप जा सकते हो। तो बट जेनको में क्या कि ऑफिशियल टीम है, बड़ी प्लेयर है जेनको में, ये मैं सोचा जिम्बाब्वे बहुत ही कमजोर टीम है तो ये अच्छी फाइट नहीं दे, डेफिनेटली अच्छी फाइट दे दी देगी, और साथ ही साथ जेनको विकेट टेकिंग प्लेयर है और टीम में तरह से कैप्टनसी भी कर रही, तो आप इनके साथ जा सकते हो। और ये जो अपनी टीम से कैप्टनसी करे कहाँ गई यार, ये अपनी टीम से कैप्टन करिए यहाँ पे नहीं आपको एन सी वेंगेस जो कि इनके लिए इंपॉर्टेंट, इनका सिलेक्शन भी तो देखो कितना कम है यार, बट इस मैच के लिए अवेलेबल है ऐसा ये लाइनअप से ऐसे है नहीं, अगर खेलेगा तो मैं पिक करूँगा किसी के प्लेसमेंट पे अपने टेली अब देखिए पिक जरूर से करूँगा उनको। अभी सेम टीम से अमाउंट चेक इन्वेस्टमेंट कर दो, कोई चेंजेस हुआ तो टेली यहाँ पे एक्टिव रहना, तो दोस्तों ये थी मेरी स्मॉल स्मॉल खेल सेम टीम से अमाउंट चेक इन्वेस्टमेंट कर दो, इन्वेस्टमेंट कितना करना है तो खैर यार फर्स्ट मैच है तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना, ज़्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि तब से दवा के इन्वेस्टमेंट कर दे। अगर आपको ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट करनी है तो मेरी वीडियो अपलोड कर दिया इस मैच की, देखो स्क्रीनशॉट ले लेना ठीक है इस मैच की कहाँ गया कहाँ ही रहा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इसकी वीडियो अपलोड कर दिया, चार बहुत बड़े गिव अवे किया हो ठीक है, फर्स्ट प्राइज बुलेट बाइक है और सेकंड जो गिव अवे है उसमें मतलब 50K का पेटीएम कैश है गिव अवे, और थर्ड में जिसके कमेंट में सबसे ज़्यादा लाइक रहेंगे तो जाके वीडियो देख लेना, चार गिव अवे से और भी है जाके देख लेना। बाकी मैं इस मैच की वीडियो दे दी हो तो इसकी वीडियो टीम भी देने जानी है, और इस वीडियो के बाद मतलब इस मैच की वीडियो भी शूट करनी है केन्या वर्सेस नेपाल का, तो अपडेट टेलीग्राम पे करो तो फाइनल टीम टेली चैप एक्टिव रहना जहाँ पे 41,800 से ज़्यादा लोग जूस टेलीग्राम पे एक्टिव रहना, कोई डाउट होते कमेंट कर देना, जब तक वीडियो जूस लाइक कर दें चैनल सबसे पहले कॉल पर सेट कर दो, कोई डाउट होते कमेंट कर देना।